Hello and welcome dear students to Unacademy JEE channel and you are watching the mathematics session. All right, main ummeed karta hu ki aap jo regular sessions ho rahe hain sare attend kar rahe hain. ठीक है तो अभी अभी जयंत सर और पारस सर का सेशन हुआ था फिजिक्स और केमिस्ट्री का. ठीक है तो आई होप आप सब लोगों ने वो अटेंड किया होगा. ऑल राइट सुजल प्रतीक सीमा नितेश एवरीवनी एवरीबडी ओके. तो आज एक्चुअली हमारा फंक्शंस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विच इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ऑल राइट तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर नए हैं उनको बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर सीरीज़ का नाम है JEE लाइव डेली, जहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स लाते हैं जस्ट लाइक एनी अदर क्लास. ऑल राइट तो वी एक्सपेक्ट, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको बता दूँ कि वी एक्सपेक्ट कि यू सिट विथ योर नोटबुक एंड पेन. ऑल राइट ताकि आप नोट्स अच्छे से बना पाओ और जो जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं वो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें अप्लाई कर पाओ. ठीक है तो बहुत ही ज़रूरी है जेई की प्रिपरेशन के लिए कि आप खुद के अच्छे नोट्स बनाकर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो. ऑल राइट सो माई नेम इज़ समीर चिंचोलीकर, आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ IIT रुड़की एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर JEE फॉर मोर देन 10 ईयर्स नाउ. ऑल राइट स्टूडेंट्स तो जो यहाँ नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको फिर से मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ कि हम आज डोमेन और रेंज का डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए. ठीक है ITF का आज हमारा पहला लेक्चर है. ठीक है इसके पहले हम 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने फंक्शंस बहुत ही डिटेल में कवर किया था. ऑल राइट सूर्यांशु राम भक्त ऑल राइट अभिषेक इज ऑल्सो हियर. ऑल राइट चलो तो स्टूडेंट्स जो अभी तक हमसे टेलीग्राम ऐप पर कनेक्टेड नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से कनेक्ट हो जाओ. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं. ठीक है क्या करना है, ऐप डाउनलोड करके क्रोम ब्राउजर में जाके आपको ये URL टाइप करना है tinyurl.com/JEE live chat. ऑल राइट और यहाँ पर आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना. दैट एक्चुअली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, दैट एक्चुअली प्रूव्स कि हाँ जो कंटेंट हम आपके पास ला रहे हैं इट इज़ वर्थ इट. ठीक है तो डू शो योर एप्रिसिएशन बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल अनअकैडमी JEE एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो. ठीक है एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, है ना. आपको अगर कुछ अच्छा लगा है कुछ नहीं अच्छा लगा कुछ आप ज़्यादा एक्स्ट्रा सीखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स ताकि हम आगे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स ऑल राइट चलो तो एक और जानकारी मेरे ख्याल से हम सभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ अबाउट अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. ठीक है इट इज़ एन इन हाउस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी जहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स मिलेंगे टू लर्न कंसेप्ट्स विथ अस. ठीक है तो हम सभी जो टीचर्स हैं जो यहाँ पर YouTube पर आपके साथ कनेक्टेड हैं वो तो वहाँ क्लासेस ले ही रहे हैं और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो काफ़ी वेल नोन टीचर्स हैं. ठीक है इंडिया के वो भी वहाँ पर प्रेजेंट है और अनअकैडमी पर क्लासेस लेते हैं. ठीक है तो वहाँ पर जो फीचर्स है टेस्ट क्विज डाउट सॉल्विंग सेशंस इससे आपको डेफिनेटली काफ़ी बूस्ट मिलेगा इन द प्रिपरेशन. ऑल राइट तो उसके लिए क्या करना है आपको, बस वेबसाइट पे जाना है अनअकैडमी की और IIT JEE वाला सेक्शन में जाकर यू कैन एक्चुअली सब्सक्राइब, है ना. सब्सक्रिप्शन तो आई थिंक सबको लेते आता ही है ना, जो भी आपका नेटफ्लिक्स हो गया या हॉटस्टार हो गया उसका भी आप लेते हो ना मंथली सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल वैसा ही है ये. ठीक है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड यू कैन ब्राउज थ्रू लॉट मैनी कोर्सेज जो ऑलरेडी वहाँ पर चल रहे हैं. ठीक है जो यहाँ पर बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं ऑलरेडी YouTube पर उनके लिए स्पेशली हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ दिस वेरी स्मॉल अमाउंट जो यहाँ पर फीस जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है. ठीक है विच इज़ ऑलरेडी 2000 पर मंथ. ठीक है अगर 10% और हो जाएगा तो इट विल बी फर्दर इवन लेस देन 2000. तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल टू ऑलमोस्ट एवरीवन. जिसको ये भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली YouTube पर द क्लासेस हम इसलिए ले ही रहे हैं. ठीक है बट द ओनली यहाँ पे पॉइंट इज़ कि हम केवल वन वे डिलीवरी दे पा रहे हैं, है ना, YouTube पर, जबकि वहाँ पर कुछ पर्सनल हम इंटरेक्शन भी अच्छे से कर सकते हैं. ऑल राइट चलो तो दीपक पढ़ाई शुरू करते हैं बिल्कुल, है ना. नए आए हो क्या? ऑल राइट चलो तेजस इज ऑल्सो हियर, हिमांशु ऑल राइट. हाँ तो बुक्स के बारे में हिमांशु हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, है ना, एक वीडियो में. चलो तो
आज स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने फंक्शनल इक्वेशंस पढ़ा था. काफ़ी इंटरेस्टिंग से मेथड्स हमने सीख लिए हैं ऑलरेडी फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, चलो तो वहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस अभी होमवर्क में दिए थे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा. राइट, ऋषिराज, निशांत, तुषार, लास्ट क्लास में अगर थे तो जल्दी से आंसर बताओ. पहला क्वेश्चन जो था होमवर्क का वो ये था, है ना. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये इसमें अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, जब AIEEE के नाम से NIT में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होती थी तब ये एग्ज़ाम 2005 में आया था ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जो रिप्लेसमेंट मेथड हमने सीखा था, नहीं सॉरी, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा था उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ था हमें, काफ़ी बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस वाई. एक तो पहली बात तो दो वेरिएबल्स आ गए इसके अंदर, एक्स और वाई. ठीक है, जो पूछा है उसने वो भी कुछ अलग सा ही पूछ लिया है. ठीक है, डेटा बहुत ही सिंपल वाला दिया हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन. तो यहाँ से कहीं स्टार्ट करते हैं और फाइनल रिजल्ट एफ ऑफ टू ए माइनस ए तक, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स तक पहुँचने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, चलो तो ये सॉल्यूशन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को, ज़रा इसको ध्यान से देखो कि पहले तो ये पता करते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. ठीक है, तो मेरे पास एक ओरिजिनल इक्वेशन तो है ही, इसका तो यूज़ मैं कभी भी कर ही सकता हूँ. ठीक है, इसी के बेसिस पे मुझे फंक्शन पता करके बताना है क्या है. ठीक है, या इसका वैल्यू पता करके बताना क्या है. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू कब जनरेट होगी उसके लिए कुछ एक्स और वाई सोच लेते हैं. ठीक है, तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई कितना है उसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी है मेरे पास. ठीक है, तो एक्स का वैल्यू अगर मैं टू ए यूज़ करूँगा और वाई का वैल्यू अगर एक्स यूज़ करूँगा तो मुझे क्या चाहिए उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा मुझे. ठीक है, तो पहला स्टेप इसलिए मैं तो यही करने वाला हूँ. क्या करेंगे कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू x यूज करो ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में ताकि आप आंसर तक पहुंच पाओ. ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये एक्सप्रेशन यूज किया मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मुझे f ऑफ 2a कुछ करके फाइंड करना होगा कहीं से और वैसे ही मुझे f ऑफ माइनस a फाइंड करना होगा. ठीक है, जब ये वैल्यूज मेरे पास होंगी तब मैं आगे का सॉल्यूशन शायद फाइंड कर पाऊंगा. ठीक है, ऑल राइट. तो प्रियाव्रत वांट्स टू नो कि सेट्स कब पढ़ाएंगे, तो सेट्स के लिए शायद मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि क्योंकि वो जेई के लिए ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऑल दो बोर्ड्स का फर्स्ट टॉपिक सेट्स ही होता है. ठीक है, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, तो उसको हम अलग से एक स्पेशल क्लास में ले लेंगे. ये जो जेई लाइव सीरीज चल रही है इसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे ताकि फ्लो ब्रेक ना हो. ठीक है, तो एक अलग से क्लास रखेंगे जैसे आपके क्विजेस चल रहे हैं. ठीक है, वैसे ही एक घंटे की क्लास अलग से रख के सेट्स हम पढ़ लेंगे. ऑल राइट, चलो प्रकांत, हेलो काजोल, शिवम, ऑल राइट. चलो तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम इस होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे. तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि मुझे दो वैल्यूज फाइंड करनी है 2a और f ऑफ माइनस a. ठीक है, तो अब थोड़ा सा बिल्ड आ रहा है. ठीक है, कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करूँ. ठीक है, तो अब ये देखो कि अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, तो क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ था तो इसका यूज तो करना ही है इसका मतलब मुझे. ठीक है, एफ ऑफ जीरो का सबसे अच्छा यूज मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू जीरो यूज कर लेता हूँ. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, एक्स और वाई की अगर मैं दोनों जगह जीरो वैल्यू डाल दूंगा तो एक सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ रही है. और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्योंकि वन दिया हुआ है तो फिर ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल होने वाले हैं. जैसे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आपके पास एटलीस्ट एफ ऑफ ए का आंसर आ गया. ठीक है, तो पहले तो कुछ था ही नहीं आपके पास, लेकिन अब एटलीस्ट एफ ऑफ ए का आंसर आ गया विच इज़ वेरी गुड वैल्यू जीरो. ठीक है, तो ये हमें हेल्प डेफिनेटली करेगी. ठीक है, अब क्योंकि आपके पास एफ ऑफ जीरो था अभी एफ ऑफ ए आ गया है. ठीक है, तो अब आप क्या सोचोगे कि ठीक है अब एफ ऑफ ए बनता है अगर इक्वेशन में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू पता है. तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ फिर इसके बाद कि आप ऐसा करो कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ए यूज़ कर लो. ठीक है, अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की ए यूज़ करते हो तो फिर से एक बहुत सिंपल इक्वेशन बनता है और जो आपको एक्चुअली चाहिए वो निकल के आया आप पहली बार. ठीक है, एफ ऑफ टू ए का वैल्यू माइनस वन निकल के आया जो मुझे एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एफ ऑफ टू ए आ गया, क्या नहीं आया है मेरे पास एफ ऑफ माइनस ए नहीं आया, तो माइनस ए फाइंड करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हो, तो उसके लिए आप एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू ए सोच लो. ठीक है, जैसे आप ये सब्स्टिट्यूट करते हो तो एफ ऑफ माइनस ए बन रहा है कि नहीं लेफ्ट में.
ठीक है. अब साथ में राइट में जो बना है दोनों ही टर्म्स में कितना आ रहा है, एफ ऑफ ए आ रहा है. एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए दोनों की ही वैल्यू आप जीरो जैसे ही सब्सिट्यूट करोगे, एफ ऑफ ए जीरो निकाल के रखा है ना हमने, तो आपके पास एफ ऑफ माइनस ए का भी वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया. तो ये क्वेश्चन सोचो एग्जाम में बच्चों को दिया गया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम के लिए तो मतलब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है. तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में रेट करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को. आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया, फ्लो समझ में आया कैसे करना है, ठीक है. इवन आफ्टर लुकिंग एट द सॉल्यूशन आई गारंटी कि आप अगर ट्राई करोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट कि इसको एक बार फिर से ट्राई करो, और नहीं आता है तो फिर से एक बार देखना, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है टू गेट टू द आंसर. आ रही बात समझ में? चलो तो यहाँ से आई बात आपको समझ में, जैसे आपके पास माइनस ए आ गया और आपके पास 2a का वैल्यू आ गया, इसके अंदर सब्सिट्यूट करोगे और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस ए जीरो हो गया तो ये टर्म हट गया यहाँ से, और एफ ऑफ 2a का वैल्यू माइनस वन है. आई बात समझ में? चलो कितने लोग आए समझ में? अभय वॉन्ट्स टू नो इंटीग्रल कैलकुलस कब स्टार्ट होगा. ऑल राइट, तो इंटीग्रल कैलकुलस में तो अभी टाइम है, क्योंकि देखो ऑर्डर तो यही होता है, पहले डिफरेंशियल कैलकुलस होता है उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस होता है. वी कैन नॉट एक्चुअली रिवर्स दैट ऑर्डर, ठीक है. कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कब होगा, तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट टॉपिक है तो वो बीच में से हो सकता है, ठीक है. बट इंटीग्रल कैलकुलस अब है वो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म होने के बाद ही होगा, ठीक है. ऑल राइट, चलो ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स नाम लेते से ही मोहित को कुछ याद आया, ठीक है. मोहित हो जाएगी उसकी भी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अभी लेकिन इसके ऊपर ध्यान दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. लेकिन उसके पहले और एक दो क्वेश्चन से जो हमने लास्ट क्लास में आपको दिए थे करने के लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है. यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. आपके पास ऑलरेडी एक इक्वेशन दी हुई थी और आपको इस क्वेश्चन का यूज़ करके क्या निकालना था, फंक्शन निकाल के बताना है कि कौन सा फंक्शन है एफ एक्स जो ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन, ठीक है. तो यहाँ पर क्या सजेस्टेड है, रिप्लेसमेंट ऐसा करो कि ये टर्म्स आपस में एक्सचेंज हो जाए, ठीक है. और इसीलिए जो हम सजेस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन उसमें क्या है कि हम एक्स को पाई बाय टू माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे. पाई बाय टू माइनस एक्स से रिप्लेस करके क्या फ़ायदा होता है इस क्वेश्चन में, कि साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स तो क्या हो गया, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स, और कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स कितना हो गया, साइन एक्स, ठीक है. जैसे ही चीज़ें आगे पीछे हो गई आपको क्या पता चला कि अब तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन तो क्वेश्चन ही थी और दूसरा इक्वेशन आपने रिप्लेसमेंट मेथड से फाइंड कर ली. तो आपके पास अब क्या हो गया, इसको अगर थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए बोलोगे तो ये भी तो यहाँ पे कैपिटल ए ही है, और इसे अगर आप कैपिटल बी बोलोगे तो ये भी तो कैपिटल बी ही है, ठीक है. तो दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, कैपिटल ए कैपिटल बी. आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों में से कोई भी एक फाइंड कर लो, ठीक है. मैं यहाँ पर साइन वाला बचा रहा हूँ और कॉस वाले को कैंसिल करवा रहा हूँ, ठीक है. तो उसके लिए वाला स्टेप सिंपल कर लेते हैं कि मैं क्योंकि कॉस कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ताकि ये 4 cos 4f cos x कैंसिल हो जाएगा. आई बात समझ में? तो बस इतना सा करो तो आपके पास एफ एक्स, तो हाँ एफ एक्स तो नहीं आया, लेकिन चलो एफ ऑफ साइन एक्स आ गया. क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ साइन एक्स. एफ ऑफ साइन एक्स ऐसा कुछ दिख रहा है, सिंपल कैलकुलेशन देखना आराम से, ठीक है. अब यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है कि एफ ऑफ साइन एक्स तो आ गया लेकिन पूछा था एफ एक्स है, ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम साइन एक्स को क्या डालना चाह रहे हैं, एफ टी बना लेते हैं पहले, ठीक है. साइन एक्स को एक्स भी डायरेक्टली डाल सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो पहले कोई बात नहीं, साइन एक्स को इक्वल टू टी डाल दो. अगर साइन एक्स को इक्वल टू टी डाल रहे हो तो इनवर्स लेके कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है. ये बेसिक वाला इनवर्स तो आई थिंक आपको आता है, क्योंकि आज लेक्चर में हम इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. लेकिन ये जो बेसिक स्टेप है आई थिंक ये आपको फिजिक्स की वजह से कहीं ना कहीं पता होगी, ठीक है. चलो तो जैसे ही आपने एक्स की प्लेस में साइन इनवर्स टी डाला और यहाँ पे एफ टी बना, तो एफ टी का आंसर आ गया. अगर एफ टी का आंसर 2π/5 माइनस साइन इनवर्स टी आया है तो बस टी की जगह एक्स डाल दो, तो आपके पास एफ एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो इसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा. आई आते हैं समझ में? हाँ तेजी क्या पूछ रहे थे, आई वॉज बिजी एक्सप्लेनिंग तो मुझे क्वेश्चन पढ़ते नहीं आया आपका. अच्छा काजल वॉन्ट्स टू नो कि टिप्स फॉर ड्रॉपर्स. तो ड्रॉपर्स के लिए देखो एक ही टिप है कि बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है. बहुत मेहनत करनी होती है ड्रॉपर्स को, ठीक है.
तो बिल्कुल सोना वोना कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको देखो दिसंबर तक का टाइम है, दिसंबर तक के टाइम में आपको 12th 11th दोनों कंप्लीट करना है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपके जो टफ टॉप जो आपके स्ट्रांग टॉपिक्स हैं है ना, वो पता करो, उनको साइड में करो और वीक टॉपिक्स पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? चलो वैभव, आई बात समझ में? काजोल, बात आई समझ में? चलो अच्छा, तुषार वॉन्ट्स टू नो कि आईआईटी एक साल में कैसे क्रैक करना है. हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक साल में भी हो सकता है, लेकिन डबल काम करना पड़ेगा, है ना? जो बच्चे दो साल में मेहनत कर रहे हैं, उतना ही काम आपको एक साल में करना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ी सी नींद कम हो जाएगी, थोड़ा सा फ़ोन पर टाइम स्पेंड करना कम हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है लेकिन उसके लिए. चलो ऑलराइट, ये एक और क्वेश्चन था, ये आई थिंक बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके अंदर बहुत ही कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ये, है ना? और ये अभी तक हमने देखा नहीं था, तभी मैंने दे दिया था ट्राई करने के लिए आपको कि लेट अस सी कोई कर पाता है क्या, ठीक है? चलो तो ये जो क्वेश्चन था फंक्शनल इक्वेशन का, इसके अंदर जो बेसिकली एफ एक्स की साइक्लिसिटी है वो 2 है, ठीक है? एक बार में रिप्लेस करके हमने क्या सीखा था कि एफ एक्स के साथ में जो भी दिख रहा है ना, उस क्वांटिटी से रिप्लेस कर दो, एक्स को उस क्वांटिटी से रिप्लेस कर दो. तो करेंगे इस क्वेश्चन में भी वही, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन में क्या होता था, ऑटोमेटिकली चीज़ें एक्सचेंज हो जाती थी. इस क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं है, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसा हो रहा है. पहले तो हम वही कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि मैं एक्स को एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है? जो मुझे क्वेश्चन में दिख रहा होता है पहला अटेम्प्ट, तो हम वही करते हैं कि वो करके देखते हैं, ठीक है? और पहली बात तो मैं ये करने जाऊंगा तो कुछ तो बड़ा सा एक्सप्रेशन बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया वो अच्छा हो जाता है, ठीक है? वन अपॉन वन माइनस एक्स ऐसा कुछ तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? राइट साइड में भी साइमल्टेनियसली हमें चेंज करते रहना पड़ेगा. एक्स के प्लेस में क्या डाला मैंने, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो फिर यहाँ भी आपको वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा, ठीक है? अच्छा अब ये देखो कि ऐसा करने से एक नई इक्वेशन बनी है, लेकिन ये और खराब इक्वेशन है. ये बात आ रही समझ में? रिप्लेसमेंट मेथड में एक्चुअली हम चाह क्या रहे होते हैं कि कुछ अच्छा बने, है ना? लेकिन ये और ख़राब हो गया है, ठीक है? ऊपर वाले इक्वेशन में कम से कम एफ एक्स तो भी था, यहाँ पर तो एफ एक्स भी नहीं है, ये खराब वाली क्वांटिटी तो अभी भी है और ये एक्स्ट्रा एक क्वांटिटी आ गई, है ना? तो अब हम क्या कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये जो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाली खराब क्वांटिटी वो हट जाए, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. इक्वेशन वन मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है ये इक्वेशन वन है, ठीक है? अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना, तो कम से कम ये हो जाता है कि ये वाला फैक्टर कट जाता है यहाँ से, एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाला, ठीक है? और आपके पास थोड़ी बेटर इक्वेशन आती है, क्योंकि बेटर क्यों बोल रहा हूँ इसके अंदर फिर से, क्योंकि क्या है, एफ एक्स है, इसका मतलब ये बेटर है थोड़ी सी, ठीक है? ऑल राइट, अब फिर से क्या दिख रहा है आपको, ओरिजिनल क्वेश्चन जैसे ही दिख रहा है, आपके पास एक एफ एक्स वाला पोर्शन है और एक है जो दूसरा है, एफ एक्स को छोड़ के जो दूसरा वाला है. तो फिर से रिप्लेसमेंट क्या होगा, ये मेथड तो सीखा था हमने रिप्लेसमेंट के लिए, जो क्वेश्चन में दिख रहा होता है उसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है? तो जब आप ये करोगे तो अब फिर से बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, करते जाओ, ठीक है? यहां से आपके पास सिंप्लीफाई करके और एक एक्सप्रेशन आएगा. इसमें अब देखो अच्छी बात क्या हो गई कि आपके पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बना उसमें फिर से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ गया, ठीक है? तो जिससे पीछा छुड़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो फिर से बन गया, ठीक है? तो एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स तो बना ही है, साथ में एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स फिर से बन गया, ठीक है? राइट साइड में जो कैलकुलेशन होके चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं, है ना? स्टार्ट कहाँ से किया था, राइट साइड में वन प्लस एक्स है, ठीक है? राइट साइड में चीज़ें बड़ी हो रही है वो तो हो ही रही हैं साथ में, ठीक है? तो वो भी करते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है? अच्छा, लेकिन जैसे ही आपके पास यहाँ तक इक्वेशंस क्रिएट हो गई हैं, अब क्योंकि देखो क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी ट्रू थी, तो अब दो रिप्लेसमेंट से इसका काम बनने वाला है, ठीक है? क्या देखोगे आप कि इक्वेशन वन में जो वैल्यूज है मेरे पास वो एफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, ठीक है? ये जो है इसके अंदर भी सिमिलर वैल्यूज हैं एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लेकिन माइनस साइन के साथ में, मतलब वन और फोर को ऐड करूंगा तो ये बड़ी वाली वैल्यू कैंसिल होगी, ठीक है? उसी में फर्दर ऐड कर दो थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में एक ये वाली क्वांटिटी नीचे फोर्थ में पॉजिटिव के साथ है, थर्ड में यही वाली क्वांटिटी निगेटिव के साथ है. तो जब और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये खराब वाली सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इसके अंदर, टू ऐड ऑल दीज थ्री इक्वेशंस. जब आप ये करते हो तो कुछ नहीं बचता, बस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स बचता है, ठीक है? अब राइट साइड में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन चलो हम इतना कर पाए हैं. आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो काफ़ी लंबा टाइम लगा हमें इसको सॉल्व करने में, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार फिर से ट्राई करो, ठीक है? सॉल्यूशन देख लिया तब भी ट्राई करो, है ना? अभी भी शायद दिक्कत आएगी. ऑलराइट, चलो तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नए टॉपिक के साथ, विच इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है?
तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला जो हमें डिस्कशन करना है वो ये है कि क्योंकि फंक्शन बोल दिया ना हमने, तो फंक्शन जैसे ही बोला उसका क्या पता होना चाहिए हमें, डोमेन, रेंज और ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, तो इनवर्स फंक्शन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो एक बार रिकैप करते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स यूज़ करके हम एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन के बारे में वो क्या है कि फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। अगर आपको क्रिएट करना है तो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वन वन ऑन टू होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट या फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर आपका फंक्शन एफ ए से लेके बी तक डिफाइंड है, मतलब ए क्या है उसका डोमेन है और बी क्या है उसका कोडोमेन है, ठीक है। अगर ऐसा है तो उस केस में जब भी आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो उसका कोडोमेन और डोमेन एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ए से लेके बी तक डिफाइंड है तो फिर वो बी से लेके ए तक डिफाइंड होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और क्योंकि यहां पर ये फंक्शन जो भी हम यूज करते हैं वो वन वन ऑन टू है, इसलिए कोडोमेन के प्लेस में आपने रेंज भी बोला तो भी चलेगा, बिकॉज इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शंस कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं। आ रही बात समझ में? चलो, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। और किस बात का यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए? वो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जी की जगह और क्लैरिटी के लिए माइनस एफ ऑफ एफ इनवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। द ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ग्राफ बनाने में ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। और देखो, ऑल राइट, सो ना लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस एक्सप्लेनेशन, देन आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। ऑल राइट, और एक पॉइंट जो होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शायद आपने स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर पढ़ते समय रियलाइज किया होगा कि इमेज ऑफ पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन अगर आप वाई इक्वल टू एक्स लाइन में निकालते हो तो कुछ नहीं होता है, वो कोऑर्डिनेट ऐसा लगता है कि एक्सचेंज हो गए, ठीक है, वाई वन कॉमा एक्स वन हो गए वो, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज करेंगे। इमेज ऑफ पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इज वाई वन कॉमा एक्स वन, ठीक है। और एक पॉइंट जो ध्यान रखना है हमें वो क्या है कि अगर एफ एक्स की कोई एसिम्प्टोट है, अब एसिम्प्टोट क्या होता है ना, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में पूरा पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा, ठीक है। एसिम्प्टोट क्या होता है, किसी भी फंक्शन को अगर कोई एक टेंजेंट लाइन है एट इन्फिनिटी तो उसको एसिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल अगर लेना चाहें तो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एसिम्प्टोट्स होती हैं, ठीक है। और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एग्जांपल चाहिए तो हमारे पास होता है वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स को पाई बाय टू पे अगर आप एक डॉटेड लाइन बनाते हैं ना बार बार, ठीक है, पाई बाय टू पे डॉटेड लाइन जो बनाते हैं वो उसकी एक्चुअली एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अगर एफ एक्स की एसिम्प्टोट वर्टिकल है तो फिर एफ इनवर्स एक्स की एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है। वो लॉजिक क्या है, वो बेसिकली यही लॉजिक है, क्योंकि हम वाई इक्वल टू एक्स में इमेज लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल की इमेज वर्टिकल और वर्टिकल की इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाती है ग्राफिकली, ठीक है। अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ऑल राइट, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, हाँ बिल्कुल प्रतीक सही बोल रहे हो, टेंजेंट एट इन्फिनिटी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। पूजा, निकिता, कंसेप्ट आप सब लोगों को बिल्कुल पता है, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करो और आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, सब टॉपिक की तरफ, विच इज़ डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ITFs, ठीक है। तो सबसे पहले ITF समझने के लिए पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है, इसी का इन्वर्स को क्या बोलते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखो कि अगर इसका डोमेन R है और इसकी रेंज -1 to 1 है, ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो तो ये ग्राफ बना हुआ है sin x का, ठीक है। अगर ये sin x का ग्राफ है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन कैसा हो गया, ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया ना, फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ x यू आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ y, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन है, तो ये तो इनवर्स होएगा ही नहीं, इसका इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता,
लेकिन अब टॉपिक का नाम ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब कुछ तो हमें करना पड़ेगा ताकि इन्वर्स एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या एक तरीका होता है हमारे पास, हमें बोलते हैं कि ठीक है ये जो अभी हमने डोमेन और रेंज डिफाइन करके रखा है, फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन एंड रेंज या फिर डोमेन एंड को डोमेन बोलो उसको, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर थोड़े चेंजेस करते हैं, ऐसा करते हैं एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स विच इज साइन एक्स ओनली, ठीक है, बट दिस एफ इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, है ना, इतना ही इनपुट में लूंगा। और अगर ऐसा करता हूं माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक ही अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो मेरा आंसर कहां से कहां तक आता है, मतलब मेरी रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन, आ रही है बात समझ में, ठीक है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जब मैं इनपुट लेता हूं तो मेरे पास ये पूरा ग्राफ बनता है, ठीक है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये पूरा ग्राफ मेरा बनता है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इतना सा जो शेडेड ग्राफ है उतना ही अगर बनाया तो, और मैंने अगर स्पेसिफाई कर दिया कि माइनस वन टू वन ही इसका कोडोमेन है, देन दिस स्पेशल फंक्शन साइन एक्स बिकम्स इन्वर्टिबल, ठीक है। अब मैं इसका इन्वर्स फाइंड कर सकता हूं, क्लियर है। अब कोशिश करते हैं फिर इन्वर्स फाइंड करेंगे कैसे, ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि पहले मुझे इसको वन वन ऑन टू बनाना पड़ा क्योंकि उसके पहले तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, क्लियर है। जैसे ही मैंने मेरी डोमेन और को डोमेन अच्छे से डिफाइन कर दी, ये फंक्शन अपने आप ही क्या हो गया, वन वन ऑन टू हो गया। अब बताओ कि मुझे इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए मुझे कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता करने चाहिए जो इन्वर्स के ग्राफ पे लाए करेंगे, ठीक है। इन्वर्स के ग्राफ पे क्या 0,0 लाए करेगा क्या, क्योंकि साइन एक्स के ग्राफ पे तो 0,0 लाए कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि अगर एक्स वन वाई वन का है ना, जो आपके पास बेसिकली इन्वर्स का ग्राफ होगा वो वाई इक्वल टू एक्स में इसका इमेज होगा, तो वाई इक्वल टू एक्स लेटर से ऐसा कुछ है, वाई इक्वल टू एक्स में इसका इमेज बनाना है, तो इमेज बनाना है मतलब ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में उठा रहा हूं जिसमें से एक पॉइंट मुझे लग रहा है 0,0 अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ऑलराइट। तो 0,0 को आगे पीछे कर दोगे, मतलब y इक्वल टू एक्स में अगर इमेज ले लोगे तो फिर से क्या बनेगा, 0,0 ही बनने वाला है, राइट। इसका मतलब साइन इनवर्स x के ऊपर 0,0 लाइक करेगा, ठीक है। वैसे ही और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये जो एंड पॉइंट है दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये कौन सा पॉइंट है, पाई बाय टू डालने पर वन आया, ठीक है, तो इसका कॉर्डिनेट क्या है, पाई बाय टू कॉमा वन। अब ये जो है इसका अगर मैं इमेज लूंगा y इक्वल टू एक्स वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही है उसमें अगर मैं इमेज लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा ना, अभी प्रॉपर्टी देखिए हमने कितना हो जाएगा, ये वन कॉमा पाई बाय टू हो जाएगा ये, ठीक है। और वैसे ही एक और इधर वाला एंड पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, माइनस पाई बाय टू डालने पर माइनस वन आ रहा है, ठीक है, क्या है, माइनस पाई बाय टू डालने पर माइनस वन आ रहा है, तो इसका इमेज अगर मैं लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आगे पीछे कर लो इसको, माइनस वन माइनस पाई बाय टू, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए, एक बीच वाला पॉइंट, एक इधर वाला एंड पॉइंट, एक इधर वाला एंड पॉइंट, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि रफली अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो फिर वो ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता है कि मुझे कनेक्ट तो इन दोनों डॉट्स को करना ही है, इन दोनों डॉट्स को मुझे कनेक्ट करना है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा इमेज वाला कंसेप्ट भी लगा लेते हैं, ये ग्राफ इस साइड से नीचे आ रहा था तो फिर इसने ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है क्या, मिरर अगर है y इक्वल टू x तो इसने ऐसा ही कुछ तो जाना चाहिए, और वैसे ही ये क्योंकि इस तरह से ऊपर आ रहा था तो फिर इसने नीचे जाना चाहिए, क्लियर है। तो अभी जो मैंने रेड से ड्रॉ किया आपका साइन इनवर्स का ग्राफ इस तरह से कुछ तो अब दिखने लगेगा, ठीक है। और क्योंकि आपका ग्राफ इस तरह से दिख रहा है, क्या आप इसका रेंज और को डोमेन आराम, रेंज और डोमेन आराम से देख पा रहे हो क्या, ठीक है। अगर ग्राफ से देखने में दिक्कत आ रही है तो कंसेप्ट यूज कर लो, ठीक है। कंसेप्ट क्या था, अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो उसका इन्वर्स फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड होता है, बी से लेके ए तक डिफाइंड होता है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स जो बनने वाला है वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, माइनस वन टू वन इनपुट लेगा और माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आउटपुट देगा, आई इतनी बात समझ में। और उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ तो ग्राफ होगा जो मैंने अभी बनाया यहां पर, क्लियर है। तो अब इसी चीज को अच्छे से देख लो फेयर डायग्राम में, ठीक है। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जो है उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। कहां से कहां तक बनता है, ये माइनस वन से लेके वन तक ही बनता है, तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, इतने ही एक्स के इनपुट अलाउड रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और कहां से कहां तक जा रहा है ये वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है
माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक, तो ये इसका हो जाएगा रेंज। ठीक है, आ रही इतना समझ में? तो रेंज और डोमेन जो थे वो आगे पीछे कर दिए, तो इन्वर्स फंक्शन के रेंज और डोमेन आ गए। ठीक है, ग्राफ कैसे पता किया हमने? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए, उनको वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट वो इमेज निकाला उसका, और थोड़ा बहुत कर्व कैसा बनेगा, है ना, कर्वेचर कैसा होगा, उसके लिए हमने थोड़ा सा ऐसे ही लॉजिक यूज कर लिया। ठीक है, तो हमें बेसिक आइडिया आ गया कि इस तरह से हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, विष्णु क्या हो गया, डेटा पैक खत्म हो गया? ऑल राइट सोहम, आज फिर से बहुत एक अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था सोहम ने। सोहम अभी पूछ रहा है कि सर आपको कैसे पता कि y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स के नीचे लाइक करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये करो कि वेरीफाई करो कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, आप सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, अच्छे से आप कोई तो एक ऐप पे जाओ, ठीक है, और जो अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, और उसके अंदर y इक्वल टू एक्स भी ड्रॉ करो, y इक्वल टू साइन एक्स भी ड्रॉ करो, और पहले तो कन्फर्म करो कि हाँ ये ऐसा ही होता है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स यहाँ पर ऊपर होता है और साइन एक्स नीचे होता है। जब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हो तो y इक्वल टू एक्स नीचे होता है और साइन एक्स ऊपर होता है। ठीक है, इसका प्रूफ हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ठीक है, जहाँ पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लेकिन सो हम अभी के लिए आपको ये ग्राफिकली आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, एक्चुअल सॉफ्टवेयर में चले जाओ और ड्रॉ करके देख लो। तो उसने अगर ड्रॉ करके बता दिया तो आपको मानना पड़ेगा, है ना, सॉफ्टवेयर गलती थोड़ी करेगा। अभी के लिए उतना रखो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्चुअली ये क्वेश्चन ही आता है कि प्रूव दैट साइन एक्स इज लेस देन एक्स फॉर एक्स लाइंग बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, है ना। ठीक है, तो बाद में हो पाएगा। ऑल राइट सोहम, आई थिंक क्वेरी इज आंसर्ड। ऑल राइट, तो प्रकांत वॉन्ट्स टू नो कि ये एडवांस में डायरेक्टली हेल्प करेगा क्या? तो एडवांस 2019 के लिए ये फोकस नहीं है सीरीज। ठीक है, ये सीरीज 2020 एडवांस के लिए फोकस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 2020 में या इवन आफ्टर दैट एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, 2019 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अलग से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम, बट इट इज़ नॉट ऑन यूट्यूब, इट इज़ ऑन जेईई, सॉरी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ऑल राइट, चलो ऑल राइट आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और कोडोमेन, ठीक है, ये चीज़ें याद करते चलो, ये आगे आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये वाली मेहनत पूरी समझ में आई है तो मेरे ख्याल से आगे वाली मेहनत भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कॉस एक्स का इनवर्स निकालना था, तो पहले तो मैंने कॉस एक्स को देखा। ठीक है, कॉस एक्स को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इसका। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि मिनिमम फंक्शन है। तो फिर से हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल कॉस फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिफाइन करूँ सच दैट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम, अब यहाँ ढूंढता हूँ मैं ठीक से, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने कौन से एक्स के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, वन वन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वन वन मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं इस बार जीरो से लेके पाई वाला जो ग्राफ बन रहा है ना वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स रेंज आ जाए उसकी, तो मैक्स टू मैक्स रेंज आ गए, इसके अंदर माइनस वन से लेके वन तक सारे वैल्यूज आ गए। ठीक है, और ये भी चाह रहा हूँ कि रिपीटेशन ना हो, तो जीरो से पाई बेस्ट लगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ फंक्शन को डिफाइन कर दो जीरो से लेके पाई तक। ठीक है, जब ऐसा करोगे तो आपको माइनस वन से लेके वन तक सारे आउटपुट मिलेंगे। अब ये जो स्पेशल कॉस फंक्शन है ये हो गया वन वन ऑन टू, और इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसका जो इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा उसका डोमेन क्या होना चाहिए, जो इसका कोडोमेन है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक डिफाइंड होना चाहिए, माइनस वन टू वन डिफाइंड होना चाहिए, और उस रीजन में वो कहां से कहां तक आउटपुट देगा, तो वो जीरो से पाई तक आउटपुट देगा। ठीक है, ये बात हमें यहीं से समझ में आ गई, क्योंकि ए से बी तक डिफाइंड है तो फिर वो बी से ए तक डिफाइंड होगा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इसका जो आपके पास ग्राफ का थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, तो फिर से क्या करो, y इक्वल टू एक्स तो प्लॉट कर ही लो, y इक्वल टू एक्स ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से इनवर्स वाले निकाल के रख लो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, पाई कॉमा माइनस वन, पाई डालने में माइनस वन आता है, तो इनवर्स में कितना आएगा, माइनस वन डाल के पाई आएगा, माइनस वन डाल के पाई आएगा, मतलब यहाँ कहीं जाएगा वो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, पाई बाय टू डाल के जीरो आता है ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर। ठीक है, देखते जाओ,
पाई बाय टू डाल के ज़ीरो आता है, तो फिर अब इन्वर्स में क्या होगा, ज़ीरो डाल के पाई बाय टू आएगा, तो ज़ीरो डाल के पाई बाय टू यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये क्या था, माइनस वन डाल के पाए, ये था ज़ीरो डाल के पाई बाय टू, ठीक है। और एक कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आपको, ये कुछ है, ये कौन सा पॉइंट था, एंड पॉइंट, ये है ज़ीरो डाल के वन आता है, ठीक है, ये ज़ीरो डाल के वन दे रहा है, तो इसका मतलब वन डाल के क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, यहाँ कहीं आएगा, वन डाल के ज़ीरो। बस अब इन तीनों को कनेक्ट करना है, लेकिन इस तरह से कनेक्ट करना है कि वो इमेज वाला कंसेप्ट भी लगे, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि उसका कर्वेचर कैसा होगा। आ रही बात समझ में? चलो, तो यहां पर क्या करेंगे हम, ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे। ये जो बना है ये आपका इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है, लेकिन और फेयर डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ ये है आपके सामने, आ रही बात समझ में? क्या क्या ध्यान रखना है, कॉस इन्वर्स एक्स एक लिमिटेड रीजन में ही होता है, ठीक है, माइनस वन टू वन ही वो इनपुट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और आउटपुट की अगर बात करो तो आउटपुट वो बस जीरो से पाई तक ही दे पाता है, इससे ज़्यादा आउटपुट वो देगा भी नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ क्या क्या समझ में आया हमें, कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ, ठीक है, यही आज का हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो किसी को नहीं समझ में आया, कौन है ये, अनिल, अनिल क्या नहीं समझ में आया बताओ, एक और बार करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो आप वीडियो में फिर से रिवाइंड करके देख ही लेना, ठीक है। ऐसा करते हैं, आप टैन एक्स के लिए ये सब करके देखो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, ओजस, विष्णु, प्रतीक, ऑलराइट, प्रतीक डोंट वरी अबाउट द चैप्टर्स दैट आर टू कम, इन्वर्स के बाद में क्या करेंगे देखते हैं, अभी तो इन्वर्स करने में काफ़ी टाइम लगेगा हमें, ठीक है। चलो, तो टेन एक्स, अब ये भी फंक्शन वाला दिक्कत वाला है ना, सारे ही एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि पीरियोडिक है ना, तो मतलब दिक्कत वाले हैं, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन खुद क्या बोलता है कि थोड़े टाइम के बाद में वैल्यू रिपीट होगी, वैल्यू रिपीट होगी मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया, तो वो तो दिक्कत देगा ही, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर टेन एक्स भी दिक्कत देने वाला है, तो यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा एक रीजन डिफाइन करता हूँ जिसमें ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रैंड दिख रहा है मुझे, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैंड है, ठीक है, ये स्ट्रैंड जो है टैन वाला, ये अगर इतना मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। अगर मैं आर इसमें कोडोमेन ले लेता हूँ तो इस केस में देखो क्या फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, टैन एक्स डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पर एफ इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, क्योंकि एंड पॉइंट्स अलाउड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा लो, और आउटपुट तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, आर तक जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका, इस पोर्शन का जो इतना सा मैंने शेड किया ना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो फंक्शन लिखते हैं कैसे, वो फंक्शन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये तो मेरे ख्याल समझ में आ गई बात आपको सबको, ठीक है, कि आर हो जाएगा अब इन्वर्स फंक्शन का डोमेन, और माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू आएगी उसकी रेंज, ठीक है। अच्छा, यहां थोड़ा सा एसिम्प्टोट्स का कंसेप्ट आएगा, देखो जरा यहां पर ध्यान से, यहां आपको ऐसी आदत होगी शायद बनाने की कि पाई बाय टू पर ऐसा डॉटेड बनाते होगे आप, है ना, और माइनस पाई बाय टू पर भी ऐसी डॉटेड लाइन बनाते होगे ताकि आपका टैन का ग्राफ अच्छे से बने, ठीक है। तो ये जो दो डॉटेड लाइंस आपको बनाने की आदत है ये एक्चुअली एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है। ये कैसी लाइंस हैं, ये वैसी लाइंस हैं कि ये जो रेड वाला पोर्शन है ये इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करने वाला है, ठीक है, और इधर इधर भी नीचे जाके उसको माइनस इन्फिनिटी पे टच करने वाला है, ठीक है। तो ये जो दोनों पोर्शन से ये क्या हो गए हमारे, एसिम्प्टोट्स हो गए, डॉटेड वाले लाइंस, ठीक है। तो इसकी एसिम्प्टोट्स क्योंकि वर्टिकल है तो फिर हमने क्या बोली थी प्रॉपर्टी कि इन्वर्स की एसिम्प्टोट्स कैसी हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो अब अगर आप इसका इमेज लेने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान है, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर जीरो जीरो एक पॉइंट है तो इन्वर्स पे भी जीरो जीरो होगा, यहाँ एक पॉइंट है पाई बाय टू डाल के इन्फिनिटी, ऐसा बोलें क्या इसको, ऐसा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई बाय टू माइनस, क्या बोलेंगे, पाई बाय टू ऊपर माइनस लिख लेते हैं, मतलब पाई बाय टू से थोड़ा सा कम, क्योंकि एक्जैक्टली पाई बाय टू डालना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। पाई बाय टू माइनस डालेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इन्वर्स के केस में क्या हो गया, इन्फिनिटी डालेंगे तो पाई बाय टू माइनस आएगा, तो पाई बाय टू माइनस मतलब पाई बाय टू तक नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा सा पाई बाय टू से नीचे रहने वाला है ग्राफ, ठीक है। ऑलराइट, और इधर वाला पॉइंट कौन सा है जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि माइनस पाई बाय टू से थोड़ा सा आगे, मतलब माइनस पाई बाय टू प्लस डालने पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी डालने पर माइनस पाई बाय टू से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो सब हमने डिस्कस किया है
इसी बात को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा दिखेगा. ठीक है, आई बात समझ में? ऑल राइट ओजस, अभी भी मैट्रिसेस के ऊपर अटके हो? पहले ये समझ लो, मैट्रिसेस एक्चुअली बहुत ही सिंपल चैप्टर है ना, वो ऐसे ही हो जाएगा खत्म, पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, इसको समझो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ समझ में आ रही बात आपको क्या होने वाला है? ठीक है, एक जीरो जीरो पॉइंट बनाया मैंने, उसके बाद एक पॉइंट बनाया है इन्फिनिटी पे पाई बाय टू से थोड़ा सा कम, पाई बाय टू यहाँ ऊपर है. ठीक है, तो पाई बाय टू से थोड़ा सा कम रह गया वो, और माइनस पाई बाय टू कब आया? जब मैं माइनस इन्फिनिटी पे गया तो माइनस पाई बाय टू से थोड़ा सा ऊपर आया. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन से ये कैसी हो गई? ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कन्वर्ट हो गए इसके. ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है? ग्राफ कहीं खत्म नहीं हो रहा है. ठीक है, क्योंकि वाला स्ट्रैंड भी कहीं खत्म नहीं हो रहा था, ये वाला स्ट्रैंड नीचे तक जा रहा है और ऊपर तक जा रहा है, इसलिए ये वाला जो स्ट्रैंड है ये लेफ्ट तक जा रहा है और राइट तक जा रहा है. ठीक है, ऑलराइट, तो ये आपका टैन इनवर्स का ग्राफ हो गया. ठीक है, ये कहां से कहां तक वैल्यू दे रहा है आपको? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वैल्यू दे रहा है. और इसको क्या क्या अलाउड होता है टैन इनवर्स को? सब अलाउड होता है ना, कुछ भी डालो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट तो पक्के से मिलेगा. आ रही इतनी बात समझ में? चलो ऑलराइट, तो प्रतीक जे एच जो है ही वॉन्ट्स नो कि एडवांस पोर्शन, एडवांस के पहले पोर्शन खत्म होगा क्या? तो आई थिंक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2020 एडवांस, तो उसके पहले तो पक्के से हो जाएगा. ठीक है, 2019 ऑब्वियसली नहीं होगा, 2019 इज नॉट द टारगेट फॉर दिस सीरीज. ओके, आपको अगर 2019 की तैयारी करनी है तो फिर दूसरा कोर्स है उसको ज्वाइन करो. ठीक है, ऑलराइट, तीन हो गए हमारे और आगे चलते हैं. ठीक है, लेकिन अब क्या है, थोड़ा थोड़ा हमें फ्लो बन रहा है, तो इसी फ्लो में आगे बढ़ते आते हैं, तो आपको तीनों जो बचे हुए ग्राफ से वो भी आसानी से समझ में आ जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट, कॉट को देखो, कॉट ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, किसी को ऐसा होता नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स नहीं आते, ऐसा मत करो, पहले ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़नी पड़ेगी तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाओगे. ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ तो आपको आते ही हैं, तो मैं ये डायरेक्टली यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अब ये भी कैसा हो गया, मिनिमम हो गया, तो कहीं ना कहीं तो एक स्ट्रैंड सेलेक्ट कर लूंगा मैं, तो इसमें अच्छी वाली स्ट्रैंड कौन सी दिख रही है? ये वाली दिख रही है, इसको कर लेते हैं. ठीक है, तो जैसे आपने ये स्ट्रैंड सेलेक्ट करने का सोचा, आपने डोमेन कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दी? जीरो से पाए के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दी. ये जो वर्टिकल लाइन आई वो है ना, एक जीरो वाली वाई एक्सिस तो ऑलरेडी बनी हुई थी है ना, इसलिए यहाँ पे डबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और एक पाए पर भी मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी. तो जीरो और पाए के बीच में अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये बाइजेक्टिव हो जाता है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका डोमेन लिखने का, इसका डोमेन कोडो में लिखने का फायदा क्या होता है कि हमें आगे जो फंक्शन इन्वर्स बनने वाला है उसको बस आगे पीछे करके समझ जाना होता है. ठीक है, इसलिए बार बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो एफ डिफाइन कर रहा हूँ मैं, जीरो से लेके पाए इनपुट लेगा और आउटपुट देगा आर. ठीक है, कहीं से भी लेके कहीं तक भी जा रहा है वो. ठीक है, सब ले रहा है, आई बात समझ में? तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका जो इन्वर्स होगा वो आर इनपुट लेगा और जीरो से पाए तक ही आउटपुट देगा बस. ठीक है, और यहाँ पर फिर से क्या सोचना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचना है. तो बीच वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये वाला एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे ही आप इनको प्लॉट करने की सोचोगे, मेरे ख्याल से अब आगे आपको प्लॉट करते हैं. ठीक है, क्या है यहाँ पे, पाई बाय टू पे जीरो है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, जीरो पे पाई बाय टू होगा. तो जीरो पे पाई बाय टू है क्या, देखो जरा, जीरो पे पाई बाय टू है बिल्कुल. ठीक है, यहाँ पर क्या है, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालते तो इन्फिनिटी आता है, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी पे जीरो से थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, उल्टा बोल दो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इन्फिनिटी पे जीरो से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है कि नहीं? ठीक है, इन्फिनिटी पे जीरो से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या था लेफ्ट में, कि पाए से थोड़ा सा कम लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, पाए से थोड़ा सा कम लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, तो माइनस इन्फिनिटी पे पाए से थोड़ा सा कम आना चाहिए. ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी पे पाए से थोड़ा सा कम आना चाहिए, मतलब ये एक्चुअली आपकी एसिम्प्टोट पाए पे आएगी. ठीक है, तो ये रेड हो गया आपका ग्राफ. ठीक है, और ये अच्छे से बनना चाहिए, ये ऐसा हो जाएगा, पैरल हो जाएगा ऑलमोस्ट इसके. ठीक है, टच नहीं कर पाएगा वो, इन्फिनिटी पे करेगा, हमें दिखेगा नहीं वो. ठीक है, हरी बात समझ में? तो इस केस में क्या हो रहा है, आर इसका रेंज हो गया और आर इसका डोमेन हो गया, और रेंज कितना हो गया इसका, जीरो से लेके पाए तक. ठीक है, जीरो से लेके पाए तक यहाँ पर आपको आंसर्स मिलेंगे. ठीक है, ऑल राइट, कार्तिक क्लासेस का टाइम पता कर लो, क्लासेस का टाइम 9 बजे से है मैथमेटिक्स की, उसके पहले 7 और 8 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी होती है. ठीक है,
ऑल राइट, चलो आई थिंक विष्णु आ रही बातें समझ में आपको? जीतू मनी, निकिता, ऑल राइट, चलो कहाँ तक आ गए? फोर्थ तक आ गए, दो और बचे हमारे, ठीक है। आगे वाले तो इंटरेस्टिंग है थोड़े से, है ना, कोसेक एक्स, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तो कोसेक और सीकेंट के ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ्स में कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है, तो उनका इन्वर्स पढ़ना है अभी हमें। कोई बात नहीं, दिक्कत तो पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोसेक का ग्राफ है, यहाँ पे फिर से मुझे क्या लग रहा है कि माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू में अगर मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो कितने कितने पोर्शन आएंगे मेरे पास? एक ये पोर्शन आएगा और एक ये पोर्शन आएगा, ठीक है। इस बार कंटिन्यूटी नहीं है, अलग अलग पोर्शंस आ रहे हैं, चलेंगे लेकिन हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अब ये जो ब्लैक शेडेड है उसी को ग्राफ मानो, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो फिर उस पोर्शन को दो बार कट नहीं करेगा, मतलब ये क्या हो गया है, वन वन तो हो गया है, ठीक है। ऑन टू बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छे से इसका को डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो इसका रेंज है वही मेरा को डोमेन होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि को डोमेन सिलेक्ट करना मेरे हाथ में है ना, तो मैं खुद ऐसा को डोमेन सिलेक्ट करूंगा ताकि मुझे ये बाइजेक्टिव फंक्शन बनते हुए दिख जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स, जिसका नाम तो कोसेक एक्स ही है अभी भी, ठीक है, लेकिन वो इनपुट क्या लेता है, वो इनपुट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक ही लेता है, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, लेकिन जीरो नहीं आएगा बीच में, ठीक है, जीरो अलाउड नहीं होता इसको, है ना, क्योंकि जीरो पे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, जीरो पे नॉट डिफाइंड हो रही वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे इनपुट ले लेता हूं मैं, ठीक है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो, और अगर ऐसा करता हूं तो मुझे इसका रेंज जो दिख रहा है ना वही इसका को डोमेन बता देते हैं, ताकि रेंज इक्वल टू को डोमेन आ जाए। तो मुझे रेंज क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है, क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे इसकी रेंज दिख रही थी ब्लैक शेडेड वाले पोर्शन की, तो मैंने इसका को डोमेन भी वही ले लिया। अब मुझे गारंटी हो गई कि ये जो भी मैंने फंक्शन नया डिफाइन किया है, हालांकि उसका नाम कोसेक एक्स ही अभी भी, ठीक है, लेकिन ये जो नया डिफाइन किया है ये बेसिकली बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका मतलब इसका जो इन्वर्स होगा उसका डोमेन है ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, और ऐसा करने पर जो आउटपुट आएगा वो क्या है, वो आउटपुट ये है, तो ये रेंज बनने वाला है आगे चल के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ग्राफ के बारे में तो मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, ऑल राइट। तो अब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, ये कोसेक इन्वर्स का ग्राफ है, ठीक है, देखो यहाँ पे ज़रा मैच करते आ रहा है क्या, कोसेक और कोसेक इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है पाई बाय टू पे वन आता है, तो क्या वहां पर वन पे पाई बाय टू आ रहा है क्या, वन पे पाई बाय टू आ रहा है, ठीक है। यहां एक पॉइंट है मेरे पास माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन आ रहा है, तो यहां क्या माइनस वन पे माइनस पाई बाय टू आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। और एक बार देखते हैं, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालता हूं तो इन्फिनिटी आता है, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालता हूं तो इन्फिनिटी आता है, तो क्या वहां पे इन्फिनिटी पे जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है क्या, इन्फिनिटी पे जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है बिल्कुल, ठीक है। और देखते हैं, जीरो से थोड़ा सा कम डालता हूं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, तो क्या यहां पे माइनस इन्फिनिटी पे जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू आ रही है क्या, आ रही है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, तो याद रखने के लिए, समझने के लिए तो यही तरीका है, ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जहां खत्म होगा वहां से कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है सबको, सबसे पहला वाला, सबसे आसान वाला, वो ऐसा छोटा सा ग्राफ हुआ करता है ना, ये जो ब्लैक से बनाया मैंने क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जहां खत्म हुआ है वहीं से कोसेक इनवर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसा अगर याद रखोगे तो शायद मुझे एज ए स्टूडेंट काफी कंफर्टेबल लगता था ये, ऑलराइट। चलो, तो ये रेड वाला जो ग्राफ है वो क्या है, कोसेक इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। और एक देखो सीकेंट, सीकेंट का ग्राफ अगर ऐसा है तो अब बताओ कि इसके अंदर मैंने क्या इसका डोमेन लेना चाहिए
और क्या कोड में लेना चाहिए ताकि सीकेंट फंक्शन कैसा हो जाए, सीकेंट फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, ठीक है। एफ एक्स मेरा नाम तो सीकेंट एक्स ही है, लेकिन देखो मैं क्या स्ट्रैंड सिलेक्ट कर रहा हूँ, आधा स्ट्रैंड ऊपर वाले का और आधा स्ट्रैंड नीचे वाले का सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि मेरे पास ये ऊपर जाने वाला पोर्शन आए और ये नीचे जाने वाला पोर्शन भी आ जाए, ठीक है। ये बीच में कहाँ दिक्कत दे रहा है, ये पाई बाय टू पे दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, तो वाला पॉइंट हटा देंगे हम डोमेन में से, ठीक है। तो अब इसका जो मैं डोमेन डिफाइन कर रहा हूँ वो क्या है, जीरो से लेके पाई तक एक्सेप्ट पाई बाय टू, ठीक है। और ऐसा करने पर मुझे क्या क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मिला था, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का आंसर यहाँ से डायरेक्टली आता है। इनवर्स फंक्शन में ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका डोमेन, और ऊपर लिखा हुआ जो है वो हो जाएगा आपका कोडोमेन, ठीक है। जो कोडोमेन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन में वही रेंज भी होता है, ठीक है, तो ये आपका रेंज आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है, फिर से तीन चार पॉइंट्स ले लो, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार पॉइंट्स अगर प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो या तो आप चारों पॉइंट्स देखो, या फिर शॉर्टकट जो हमने पहले साइन इनवर्स की मदद से सीखा था, वैसे सीकेंट इनवर्स के लिए आप क्या शॉर्टकट ध्यान रखते हो, जहां पर कॉस इनवर्स एक्स खत्म होता है वहां से सीकेंट इनवर्स एक्स शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर पाई बाय टू पर वर्टिकल एसिम्प्टोट है, तो यहां पर पाई बाय टू पर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आएगी पक्के से, ठीक है। तो ये पाई बाय टू की हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ठीक है। आधा पोर्शन उस साइड जाकर टच कर रहा है इसको, आधा पोर्शन इस साइड आकर टच कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर से याद रखने के लिए मैं यहां पे कॉस इनवर्स एक्स भी बना देता हूं, है ना, माइनस वन टू वन के बीच में कॉस इनवर्स एक्स ऐसा कुछ था ब्लैक से जो बना है, ठीक है। बस जहां खत्म हुआ है वहीं से क्या स्टार्ट हो गया आपका, सीकेंट इनवर्स एक्स स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, तो अमियेंद्र पूछ रहा है, अमियेंद्र सेनापति पूछ रहा है कि हम इसकी डोमेन जीरो से माइनस पाई क्यों नहीं ले सकते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अगर वाकई दूसरों को भी आ रहा है तो मतलब वो सही सोच रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या मैं ले सकता था क्या, तो हाँ स्टूडेंट्स, मैं ले सकता था, ठीक है। मैं माइनस पाई से जीरो भी अगर लेता तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन गया होता, ठीक है, लेकिन ये वो फंक्शन नहीं बना होता, कुछ और बना होता वो, ठीक है। ऑल्दो उसका नाम अभी भी सीकेंट एक्स ही होता, लेकिन आपने क्योंकि उसका डोमेन चेंज कर दिया तो वो फंक्शन अब ये फंक्शन नहीं बचा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, यहां पर हमें जो फंक्शन डिस्कस करना है वो ये स्टैंडर्ड वाला फंक्शन है जो हर कोई डिस्कस करता है, ठीक है। आप जो बता रहे हो वो भी सही है तरीका, लेकिन उससे जो फंक्शन बनेगा वो दूसरा रहेगा, है ना, बाकी हर कोई उसकी बात नहीं कर रहा होगा, तो आपके आंसर कुछ और निकल के आएंगे और आपके क्लासमेट्स के आंसर कुछ और निकल के आएंगे, ठीक है। तो हम वो नहीं चाह रहे, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि हमने ये जो प्रॉब्लम है मैनी वन वाली वो सॉल्व कैसे की, तो जो सब ने माना हम वो वाला बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपका आइडिया बिल्कुल सही है, कुछ और भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पर जीरो से पाई की जगह माइनस पाई से जीरो डोमेन लिया होता तो जो फंक्शन बनता उसके इनवर्स की वैल्यू क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक वो करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आई बात समझ में अमियेंद्र, बाकी और भी किसी को था ये डाउट? ऑलराइट, चलो चलते हैं। Why always take function according to our convenience? हाँ, तो सोहम, ये हमारा convenience नहीं है, है ना, ये actually standard है, तो जो standard है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे मैं अभी इसको भी समझा रहा था, है ना, कि अगर आप ले लोगे कुछ और तो उससे भी सही आंसर आएगा logically, ठीक है, लेकिन वो दूसरों से मैच करेगा नहीं तो फिर आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा ना, है ना, स्टैंडर्ड हमने जो सिलेक्ट करके रखा है वो अभी इस तरफ वाली स्ट्रैंड को सिलेक्ट करने वाला स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके रखा है ना, इसलिए हम बार बार वो डिस्कस कर रहे हैं। आर यू बात समझ में? ऑलराइट, चलो, तो सीकेंड इनवर्स भी हमारा डिस्कस हो गया, तो अगर सारे वैल्यूज डिस्कस हो गए तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या क्या आ गया है, सभी छः इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज और ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग आ गया है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल वाले हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू का आंसर कितना होगा, ऐसा मुझे सोच के बताओ। तो ऐसा जब भी आपको सोचना पड़ेगा
तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू कोई तो एंगल होगा कि नहीं. कॉस इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, जीरो से पाई के बीच में आता है, जीरो से पाई के बीच में आता है. तो जीरो से पाई मतलब क्या है, वो एंगल है. तो हमेशा कैसे सोचना होगा आपको कि ये कोई तो एंगल है, ठीक है. अब ये कौन सा एंगल होगा, ये वो एंगल होगा जिसके लिए कॉस थीटा का आंसर माइनस रूट थ्री बाई टू बन जाए, ठीक है. लेकिन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बहुत अलग इक्वेशन से, ठीक है. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है पहले, है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने मतलब आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, जहाँ पर इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है. लेकिन हमें इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं चाहिए. हमें कौन सा थीटा चाहिए, हमें वो थीटा चाहिए जो जीरो और पाई के बीच में आए, बस वही वाला थीटा चाहिए, ठीक है. क्योंकि कॉस इनवर्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, इनवर्स का एक ही आंसर आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इन्फाइनाइट आंसर्स आएंगे, ठीक है. ये डिफरेंस होता है. तो अब क्या सोचेंगे हम, अगर जीरो और पाई के बीच में चाहिए तो फिर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट वाले कोई एक एंगल सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कितना चाहिए, माइनस रूट थ्री बाई टू चाहिए, है ना. तो कहाँ आता है फिर, ये कहाँ पर आएगा, फाइव पाई बाई सिक्स पर आएगा क्या, ठीक है. तो फाइव पाई बाई सिक्स लिख लो वहाँ पे. तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देखो ज़रा, मुझे चाहिए टेन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस फाइव पाई बाई सिक्स. ये सब करते आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट सबको, ठीक है. ऑलराइट, तो फाइव पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा, ये पाई प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा आई थिंक, है ना. इसमें पाई बाई सिक्स कम पड़ रहा है पाई बनने के लिए, ठीक है. तो पाई बाई सिक्स उसको दे दूंगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये खुद भी पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है. तो ये पाई प्लस पाई बाई सिक्स है, और टेन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, तो हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाई सिक्स, ठीक है. ऑल्दो अब यहाँ पर, यहाँ तक जैसे ही हमने पता कर लिया कि यहाँ पर 5 पाई बाई 6 लिखना ज़रूरी है, ठीक है, वैसे ही आगे तो क्वेश्चन क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया. तो आई थिंक वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है. कितना आंसर आएगा इसका, पाई बाई 6 पे टेन का कितना होता है, 1 बाई रूट 3 हो जाएगा ना, ठीक है. ऑलराइट, बी आंसर आएगा सोहम, बिल्कुल सही बात है. और किसी का आया बी आंसर, बिल्कुल मोहित का भी आ गया. ऑलराइट मोहित, ऑलराइट. तो प्रकांत, प्रकांत फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, है ना. तो आई कैन इधर एक्सप्लेन और वी कैन जस्ट चैट, है ना. तो आई थिंक थोड़ा सा तो टाइम एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा मुझे, तो बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं चैट को देख पाता हूँ, ठीक है. बट डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस सेपरेटली ऑन टेलीग्राम ऐप, है ना, ताकि आपके सारे जो क्वेरीज हैं हम आसानी से आंसर कर सकते हैं क्लास के बाद में, ठीक है. ऑलराइट, चलो. अब ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना, ठीक है. तो डोमेन के कंसेप्ट में अब पहली बार क्या आया, इनवर्स फंक्शन आया. इसके पहले जो हमने फंक्शंस पूरा चैप्टर किया था उसमें बहुत बार डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन वहाँ कहीं पर भी इनवर्स फंक्शन यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था. अब हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन क्या है, ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए कि पाई बाय फोर माइनस साइन इनवर्स, डोमेन का कंसेप्ट तो पता ही सबको, ठीक है. इनवर्स आ गया है तो कोई बात नहीं, अभी इनवर्स हमने समझ लिया है, ठीक है. क्वेश्चन के थ्रू हमें और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्योंकि अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है और मुझसे डोमेन पूछा है, तो मैं बोलूंगा कि पाई बाय फोर माइनस साइन इनवर्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू पाई बाय फोर होना चाहिए, ठीक है. तो पहली बार हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनइक्वालिटी आई है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अच्छा तरीका सीखो कि आपके पास चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आए, चाहे आपके पास में ITF इनइक्वालिटी आए, आपको सॉल्व उसको ग्राफिकली करना चाहिए, ठीक है. अगर ग्राफ बना लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा, अगर आप और कुछ करने जाओगे तो गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है. मैं यहाँ पर क्या सॉल्व करना चाह रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स छोटा होना चाहिए पाई बाय फोर से, तो साइन इनवर्स एक्स ड्रॉ कर लो पहले. तो साइन इनवर्स एक्स ऐसा याद हो गया हमें अभी कि नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है. साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक बनता है, माइनस वन से वन तक इनपुट लेता है, ठीक है. तो अब अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाय फोर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, तो पाई बाय फोर यहाँ कहीं आएगा कि नहीं, जीरो और पाई बाय टू के बीच में, ठीक है. तो अगर मुझे लेस देन चाहिए, लेस देन पाई बाय फोर चाहिए, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये सारा जो साइन इनवर्स का ग्राफ बना है ये सारे मुझे आउटपुट्स चलेंगे, ठीक है. तो अब ये आउटपुट्स अगर मुझे चलेंगे तो फिर x कहां से कहां तक जा रहे हैं उन आउटपुट्स के लिए वो देख लो बस, ठीक है. तो ये एंड पॉइंट पे माइनस वन है और ये एंड पॉइंट पे पाई बाय फोर आंसर आना चाहिए, तो क्या x डाल के पाई बाय फोर आंसर आता है, वन बाय रूट टू डाल के आंसर आता है, ठीक है. तो क्या आंसर आना चाहिए फिर इसका, माइनस वन से लेके
माइनस वन से लेके वन बाय रूट टू, यही मेथड सीखो, इससे करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों साइड साइन ले लिया तो एक्स लेस देन और इक्वल टू वन बाय रूट टू आ गया, तो फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो सही नहीं है। अरे बात समझ में, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कम होते होते कितना कम हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स जो है माइनस, इससे तो कम हो ही नहीं सकता ना, साइन माइनस वन से कम नहीं हो सकता, तो फिर वो जो दिक्कतें हैं ना वो नहीं आएंगी अगर आप ग्राफिकली इस चीज़ को ऑलरेडी देख रहे होगे तो, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को ग्राफिकली हमेशा करो, तो इसका आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो माइनस वन से वन बाय रूट टू आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। अंकित, प्रथमेश ए आंसर नहीं है, सी आंसर है ना, ये गलती जो मैंने एक्सप्लेन की समझ में आई आपको, माइनस इन्फिनिटी से वन बाय रूट टू नहीं आएगा, माइनस वन से वन बाय रूट टू आएगा। अनिकेत ने बिल्कुल, अंकित ने सही आंसर दिया, सॉरी। ऑल राइट, अल्फा फिजिक्स, मोहित, ऑल राइट, आपके भी सही आंसर आए हैं। आ रही बात समझ में सबको? चलो तो ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं कि हमने जो भी अभी इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा है, क्या वो बेसिक सा नॉलेज यूज करके भी हम ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं क्या, ठीक है। तो हाँ, आई थिंक कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पे इनपुट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो अंडर रूट के अंदर कुछ तो दिया हुआ है ना, मतलब ग्रेटर देन जीरो वाला तो कंडीशन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखो कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ तो दिया हुआ है। अब साइन इनवर्स का डोमेन क्या लिखा है हमने, साइन इनवर्स का डोमेन हमने लिखा है माइनस वन टू वन, ठीक है। तो वन से बड़ा उसको कभी मत देना, ठीक है, माइनस वन टू वन के बीच में ही कहीं ना कहीं उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि मुझे पहला वाला अंडर रूट बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओपन कर लिया मैंने उसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो रखना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये सेम एक्सप्रेशन मुझे दूसरे वाले में भी दिख रहा है, दूसरा वाला बोल रहा था कि अगर आप इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखोगे, क्योंकि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है, दोनों की बात माननी है, ठीक है। इसने बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है, ये दो टर्म्स ही अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गई तो वन तो साथ में प्लस ऐड हो ही गया ना, ठीक है। अगर वन ऐड हो गया तो फिर इसका मतलब साइन इनवर्स की तो लिमिट ही आ गई, साइन इनवर्स को मैं वन से ज़्यादा दे ही नहीं सकता था, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और ये बोल रहा है कि नहीं ये तो वन से बड़ा हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में, तो एक ही पर्टिकुलर कंडीशन बचती है हमारे पास कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो ही होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन जीरो होगा तभी एक्चुअली आपको दोनों कंडीशंस मानने वाली मिलेगी, अदरवाइज दोनों में कोई ना कोई तो गड़बड़ करेगा, ठीक है। कैसे सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये डोमेन को सोचने का तरीका है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इसको तो जीरो करना ही पड़ेगा, इसको जब मैं जीरो करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ वन मतलब वन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इससे आंसर आ रहा है, क्या आया ना इससे आंसर, ठीक है, कि इसको जीरो करने से काम बन रहा है। तो अगर मैं इसको जीरो करता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो मेरी बात बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ वन बनेगा विच इज एक्चुअली पाई बाय टू। अगर यहाँ पर इंस्टेड आपको लेटर से जीरो दिया हुआ होता, अगर यहाँ पर आपको माइनस पाई बाय टू दिया होता तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, ठीक है। लेकिन लकीली उसने राइट हैंड साइड में पाई बाय टू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जीरो लेने से एटलीस्ट कुछ तो सॉल्यूशन मेरे पास आएंगे, ठीक है। कब कब आएंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पे आएंगे और एक्स इक्वल टू माइनस वन पे आएंगे, क्योंकि इन दोनों पर ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे फिर आपके, सोहम, मोहित, सी आंसर आ रहा है, निकिता, बी आंसर आ रहा है आपका, और एक सॉल्यूशन आया क्या, हाँ, अपूर डी नहीं आएगा, ठीक है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस नहीं आएंगे इसके। तो यही डिफरेंस होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्फिनिट सॉल्यूशंस आते हैं, यहाँ पे इन्फिनिट नहीं मिलेंगे आपको कभी भी, ठीक है। ऑल राइट, तो चलो अब ये क्वेश्चन लो आप होमवर्क के लिए, ये डोमेन वाला अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे कुछ नया सीखा हमने, ये भी डोमेन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई थिंक डोमेन वाला कंसेप्ट इन्वर्स में कैसे अप्लाई होता है समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके लिए चैलेंजर क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, लॉग भी आ गया, ठीक है। तो लॉग के अंदर टैन इनवर्स बहुत ध्यान से करना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क का आज का पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। हालांकि आपको नोट्स मिलेंगे बाद में, ठीक है, तो वहां से भी रेफर कर सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लाइक यू टू ट्राई, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस में आया था, ठीक है। और अगर आपको एक ही लेक्चर अटेंड करके, ITF का एक ही लेक्चर अटेंड करके एडवांस का क्वेश्चन करते आ रहा है, ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, इससे ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता हमारा,
ठीक है, तो इसको ज़रूर करना. और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 2015 का क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है, एडवांस में आया था. तो ये दो क्वेश्चंस आप करके आओ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और देखते हैं फिर इनके सॉल्यूशन कैसे आते हैं, ठीक है. चलो, तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, है ना, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको ग्राफ, डोमेन और रेंज के कंसेप्ट समझ में आए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, है ना, थोड़े कुछ कमेंट भी कर दो. अगर आपको कुछ लगता है कि इसके अंदर कुछ चेंज होना चाहिए था, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ बढ़िया था, तो आप वैसा भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनअकैडमी जेई, जहाँ पर हम ये लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है. बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है. और पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना, पीडीएफ आ जाएगा आपके पास में 5-10 मिनट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है. वहाँ से आप अभी जो लेक्चर में हमने क्वेश्चंस यूज़ किए वो सारे, और थ्योरी जो हमने यूज़ किए वो सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है. चलो, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे.